इंस्टा के लास्ट रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। मूवी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है पूरी तरह से। फ्रेंड्स, इस मूवी ने अपने 7वें दिन 12,54,00,000 का कलेक्शन किया है और 8वें दिन यानी दूसरा फ्राइडे इस मूवी ने 12,23,00,000 का कलेक्शन किया है नेट। मूवी 8 दिनों में टोटल कलेक्शन 93,37,00,000 का नेट इंडिया कलेक्शन कर चुकी है और आज ये मूवी 15 करोड़ के लगभग नेट कलेक्शन करेगी, तो 9 दिनों में इसका टोटल कलेक्शन होने वाला है 109 करोड़। फ्रेंड्स, 2023 की यह चौथी मूवी होगी जो 100 करोड़ क्लब में शामिल होगी। इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान और सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान और रणवीर कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मकारिया कारनामा कर चुके हैं। इस लिस्ट में चौथी होगी द केरला स्टोरी। फिल्म तो लोगों के दिलों पे बस चुकी है। इस मूवी को देखने के लिए फैमिलीज भी अपने घर के बच्चों को फिल्म देखने के लिए जोर दे रहे हैं। सिनेमा घरों में लड़कियों की भीड़ उमड़ गई है। स्कूल कॉलेजों की लड़कियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, स्कूलों में भी टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को फिल्म देखने के लिए जोर दिया जा रहा है। चारों तरफ एक पॉजिटिविटी का माहौल बना हुआ है। आप इस भीड़ को देख सीधे सीधे अनुमान लगा सकते हैं कि इस वक्त देश में क्या चल रहा है। पिछले दिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूरे मंत्रिमंडल भी इस फिल्म को देख चुके हैं और काफी प्रशंसा भी किया फिल्म के बारे में। फिल्म के एडिटर निर्माताओं को ऐसी फिल्म लाने के लिए उनकी तारीफ की। द केरला स्टोरी चारों तरफ एक लहर सी बनी हुई है, यही कारण है कि इसके आगे कोई भी मूवी अभी आने को तैयार नहीं और जो आई वो टिक नहीं पाई। फ्रेंड्स, आज सैटरडे और सैटरडे को धमाल होगा ही, लेकिन कल संडे है और संडे को धमाल नहीं तूफान आएगा। फिल्म अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।